इसे हम धन बोलते हैं। धन का दूसरा नाम पैसा भी है और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मनी। नेक्स्ट है चिल्लर या सिक्के और इसे हम इंग्लिश में कहेंगे कोइंस। कोइंस मतलब चिल्लर। नेक्स्ट है नोटो। नोटो को हम इंग्लिश में कहेंगे नोट्स। नोट्स मतलब नोटो। नेक्स्ट है नोटो की गड्डी और इसे हम इंग्लिश में कहेंगे वोड। वोड मतलब नोटो की गड्डी। नेक्स्ट है मुद्रा। मुद्रा को हम इंग्लिश में कहेंगे करेंसी। करेंसी मतलब मुद्रा। नेक्स्ट है रोकड़ा या नगद धनराशि और इसे हम इंग्लिश में कहेंगे हार्ड कैश। हार्ड कैश मतलब रोकड़ा या नगद धनराशि। इसके अलावा रोकड़ा या नगद धनराशि को हम कोल्ड कैश भी बोलते हैं। कोल्ड कैश मतलब रोकड़ा या नगद धनराशि। नेक्स्ट है छुट्टा या रेंज गाड़ी और इसे हम इंग्लिश में कहेंगे चेंज। चेंज मतलब छुट्टा, या फिर हम इसे स्मॉल चेंज भी बोल सकते हैं। स्मॉल चेंज मतलब छुट्टा। नेक्स्ट है खजाना। खजाना को हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेजर। ट्रेजर मतलब खजाना। नेक्स्ट है संदूक। संदूक में खजाना पैसा आदि रखा जाता है और इसे हम इंग्लिश में कहेंगे कोफर। कोफर यानी कि संदूक। नेक्स्ट है गुल्लक। जो बच्चों के गुल्लक होते हैं उसे हम इंग्लिश में कहते हैं पिगी बैंक। पिगी बैंक मतलब गुल्लक, या फिर हम इसे मनी बॉक्स भी बोल सकते हैं। मनी बॉक्स मतलब गुल्लक। नेक्स्ट है तिजोरी। तिजोरी जिसमें हम अपनी धनराशि या जरूरी दस्तावेज रखते हैं और इसे हम इंग्लिश में कहेंगे सेफ। सेफ मतलब तिजोरी। नेक्स्ट है घूस या रिश्वत, जो कि हम अपना काम कराने के लिए अधिकारियों को देते हैं और इसे हम इंग्लिश में कहेंगे ब्राइब। ब्राइब मतलब घूस या रिश्वत। इसके अलावा हम इसे हशमनी भी बोल सकते हैं। हशमनी मतलब घूस या रिश्वत। नेक्स्ट है किराया या भाड़ा, जैसे कि हम बस का किराया देते हैं या ट्रेन का किराया देते हैं या टैक्सी का किराया देते हैं और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं फेयर। फेयर यानी कि किराया या भाड़ा। नेक्स्ट है फिरौती। फिरौती भी एक तरीके की मनी ही होती है जो कि अपहरणकर्ता को दी जाती है और इसे हम इंग्लिश में कहेंगे रैनसम। रैनसम मतलब फिरौती। नेक्स्ट है दान। दान मतलब ज़रूरतमंदों को दिया हुआ धन और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं डोनेशन। डोनेशन मतलब दान, या फिर हम इसे चैरिटी भी बोल सकते हैं। चैरिटी मतलब दान। नेक्स्ट है तनख्वाह या पगार, जो कि हमें काम करने के बाद मिलती है और इसे हम इंग्लिश में कहेंगे सैलरी। सैलरी मतलब तनख्वाह या पगार। नेक्स्ट है मजदूरी। मजदूरी जो कि मजदूरों को काम करने पर दी जाती है और इसे हम इंग्लिश में कहेंगे वेज। वेज मतलब मजदूरी। नेक्स्ट है आमदनी। आमदनी को हम इंग्लिश में बोलते हैं इनकम। इनकम मतलब आमदनी। नेक्स्ट है खर्चा। खर्चा को हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब खर्चा। इसके अलावा हम इसे एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। नेक्स्ट है बचत। बचत को हम इंग्लिश में कहेंगे सेविंग। सेविंग मतलब बचत। नेक्स्ट है शुल्क। शुल्क को हम इंग्लिश में कहेंगे फी। फी मतलब शुल्क। नेक्स्ट है छूट।
छूट जो कि हमें सामान आदि खरीदने पर दी जाती है, और इसे हम इंग्लिश में कहेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब छूट। नेक्स्ट है जुर्माना या चालान। जुर्माना या चालान हमें किसी नियम तोड़ने पर देना पड़ता है, और इसे हम इंग्लिश में कहेंगे फाइन। फाइन मतलब जुर्माना या चालान। नेक्स्ट है बख्शीश। बख्शीश जो कि हम वेटर आदि को देते हैं, और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं टिप। टिप मतलब बख्शीश। नेक्स्ट है दहेज, या इसे हम वर दक्षिणा भी कहते हैं, जो कि शादी के दौरान लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों को दिए जाते हैं, जिसमें पैसे या उपहार आदि शामिल होते हैं, और इसे हम इंग्लिश में कहेंगे डाउरी। डाउरी मतलब दहेज। नेक्स्ट है गुजारा भत्ता। गुजारा भत्ता वह होता है जो कि तलाक के बाद पूर्व पति या पूर्व पत्नी को दिया जाता है, और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एलिमनी। एलिमनी मतलब गुजारा भत्ता। नेक्स्ट है छात्रवृत्ति। छात्रवृत्ति जो कि छात्रों को दी जाती है, और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप मतलब छात्रवृत्ति। नेक्स्ट है वजीफा। वजीफा एक तरीके की अमाउंट होती है जो कि रेगुलर पे की जाती है, और इसे हम इंग्लिश में कहेंगे स्टाइपेंड। स्टाइपेंड मतलब वजीफा। नेक्स्ट है दलाली। दलाली भी एक तरीके की मनी ही होती है जो कि बेचने वाले को दी जाती है, और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कमीशन। कमीशन मतलब दलाली। नेक्स्ट है कर। कर जो कि हमें अपनी आय का कुछ प्रतिशत सरकार को देना पड़ता है, और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं टैक्स। टैक्स मतलब कर। नेक्स्ट है कर लगाना। कर लगाना को भी हम इंग्लिश में बोलते हैं टैक्स। टैक्स मतलब कर लगाना। नेक्स्ट है जेब खर्च। जेब खर्च जो कि माता पिता के द्वारा बच्चों को दिया जाता है, और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉकेट मनी। पॉकेट मनी मतलब जेब खर्च। नेक्स्ट है भुगतान। भुगतान को हम इंग्लिश में बोलते हैं पेमेंट। पेमेंट मतलब भुगतान। नेक्स्ट है भुगतान करना। भुगतान करना को हम इंग्लिश में बोलते हैं पे। पे मतलब भुगतान करना। नेक्स्ट है जाली पैसा। नकली नोटों को हम जाली पैसा बोलते हैं, और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं काउंटरफिट। काउंटरफिट मतलब जाली पैसा या नकली नोट। नेक्स्ट है धन वापसी। धन वापसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिफंड। रिफंड मतलब धन वापसी। नेक्स्ट है धन वापस करना। वापस करना और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रिफंड। रिफंड मतलब धन वापस करना। नेक्स्ट है सेवानिवृत्ति वेतन। सेवानिवृत्ति वेतन गवर्नमेंट के द्वारा अपने एम्प्लॉइज़ को रिटायरमेंट के दौरान दिया जाता है, और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पेंशन। पेंशन मतलब सेवानिवृत्ति वेतन। नेक्स्ट है कमाना। कमाना पैसा आदि का, और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अर्न। अर्न मतलब पैसा कमाना। नेक्स्ट है पैसा बचाना। पैसा बचाना आदि को हम इंग्लिश में कहेंगे सेव। सेव मतलब पैसा बचाना। नेक्स्ट है पैसा खर्च करना, और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्पेंड। स्पेंड मतलब पैसा खर्च करना। नेक्स्ट है पैसा उधार लेना, और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं बोरो। बोरो मतलब पैसा उधार लेना। नेक्स्ट है पैसा उधार देना, और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं लैंड। लैंड मतलब पैसा उधार देना।